मॉर्निंग एवरीवन, इट इज फाइन। और ये हमारे पास आपका पेपर था जो कल हुआ था आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल का, तो इसकी ये ए सीरीज है, तो इसका एनालिसिस करेंगे हम। और हालांकि हमने आपको आंसर की भेज दिया था कल आफ्टरनून में ही, तो लेकिन इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से और थोड़ा बारीकी से देखेंगे और थोड़ा एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे गलतियां हमारी हुई है। गाइस देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी एग्जाम देना स्टार्ट किया है, और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इस एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो आप आगे वाले एग्जाम देना ही छोड़ दोगे या फिर आप बिल्कुल ही नहीं दोगे। तो ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, और वी नीड टू लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स, वी नीड टू लर्न फ्रॉम आर यू नो दैट मिस्टेक्स ही बोल सकते हैं, प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं जो हम करते हैं लाइफ में, तो उनसे हमें सीखने की जरूरत है, राइट? ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहला तो ये था, इसमें जो 16 क्वेश्चन थे बहुत ही, मैं इतना नहीं बोलूंगा कि बहुत ही टफ था या बहुत ही इजी था, एक अच्छा पेपर था आपका मीडियम लेवल का, ठीक है। इसमें बहुत ही ज्यादा हार्ड को ग्रामर नहीं पूछा था, और अगर हम बोले बहुत ही ज्यादा प्रेपोजिशन चेयर एंड फॉर्म एंड बहुत सारी चीजें मैंने आपको करवाई है, मोडल्स एंड एवरीथिंग, दैट वाज नॉट एट ऑल आस्क्ड हियर, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी एक चीज थी कि अगर आपकी डेली आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट्स है या आपकी डे टू डे वे में आप यू नो इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, सो देन यू वुड हैव अ कॉमन, देन यू वुड हैव डेवलप्ड अ कॉमन सेंस, तो उस कॉमन सेंस के साथ भी आप इस पेपर को कर सकते थे बड़े आराम से, ठीक है। बट यस, बट यहाँ पे क्या है, वो वोकैबुलरी ऐसी थी जो मैंने करवाई थी, और उसके साथ साथ आपके जितने भी है स्पेलिंग मिस्टेक्स है और आपके तो कॉमन सेंस ही और एक दो टेंसेस के हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से हमने करे थे, ठीक है। तो इसका एनालिसिस करते हैं फटाफट और देखते हैं इसमें क्या क्या आंसर आने चाहिए थे। बाकी जो नया है वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और बाकी सारी आंसर्स की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पे जाके देख सकता है। एंड सो गाइज, सो ये उनके लिए भी है एक मैसेज थोड़ा, जो ये सोचते हैं कि इंग्लिश को बहुत, जो इंग्लिश को बहुत लाइटली लेते हैं, वो सोचते हैं कि बस हम एक दो महीना पढ़ के इंग्लिश क्लियर कर लेंगे। ट्रस्ट मी गाइज, इंग्लिश इज नॉट एट ऑल दैट मच इजी जितना आप सोचते हो, खासतौर से कम्पेटिटिव एग्जाम की। अगर स्पोकन आती है तो वो बात अलग है, लेकिन कम्पेटिटिव एग्जाम की इंग्लिश देखो गाइज, इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, इतने ज्यादा आपके पास टॉपिक है, और उसके साथ साथ यू नो दैट आपकी आपको सारा कवर करना है, क्योंकि इतने ज्यादा वर्ड्स आपको पता नहीं कि कौन सा पूछा गया है। बट बाय लक यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ऐसे वर्ड आए जो हमने करे थे क्लासेस में, राइट? वन वर्ड है, अगेन देर आर थाउजेंड्स ऑफ वन वर्ड, और थाउजेंड क्या, वो किसी भी वन वर्ड का वन वर्ड बना सकते हैं, राइट? किसी भी वर्ड का वन वर्ड बना सकते हैं, तो देर आर मैनी वेज टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, राइट? तो आते हैं फटाफट आंसर्स पे। पहला देखिए आपका पायोस, ठीक है। आपको क्या करना है, सीरीज ए का है ये, बाकी क्वेश्चंस आगे पीछे थे सभी सीरीज में, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना है बस आपने, राइट? अपनी लर्निंग को नहीं छोड़ना है। इंग्लिश एक्चुअली और जो आपके और सेक्शन थे उनके कंपैरिजन में थोड़ी टफ लग रही थी बच्चों को, मैंने बात की काफी सारे बच्चों के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें आपके 16 में से अगर 10-12 भी बनते हैं तो देन इट्स ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। बट इसमें से ऐसे ऐसे कि 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग आपके डन होने चाहिए थे, बट शुक्र है देखिए क्लोज टेस्ट नहीं आया, अगर क्लोज टेस्ट आया होता तो और भी टफ होता, बट चलिए कोई बात नहीं, आई होप दैट कि सभी के आई थिंक 10-12 होंगे इसमें, सो लेट्स डिस्कस और आंसर्स देखते हैं, ठीक है। पहला है आपका पायोस, PIOUS, पायोस, ये वर्ड मैंने काफी टाइम करवाया, आपको क्या करना है इसका सिनोनिम ढूंढना है, चूज द ऑप्शंस हैविंग सिमिलर मीनिंग टू कैपिटल वर्ड, तो बेसिकली आपको सिनोनिम ढूंढना है पायोस, पायोस मैंने आपको लिखवाया था पायोस सेक्रेड होली, तो सेक्रेड होली मतलब रिलीजियस, तो पायोस का आपका आंसर क्या होगा, रिलीजियस ए। रेप्लेनिश्ड होगा आपका, रेप्लेनिश्ड का होगा आपका रेप्लेनिश मतलब दोबारा से रिस्टोर करना, फिलअप करना, तो बेसिकली यू आर रिस्टोर। रिचार्ज एक्सलरेट और एग्जॉस्ट नहीं होगा, एक्सलरेट मतलब टू स्पीड अप एंड एग्जॉस्ट मतलब थक जाना, और रिचार्ज मतलब रिचार्ज करना, तो रिस्टोर विल बी योर आंसर, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंसेस, तो यहाँ पे वन वर्ड है देखिए, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, ये भी मैंने आपको करवाया था क्लास में अलग से, उस बुकलेट के अलावा करवाया हुआ था,
तो बिब्लियोफाइल क्या होता है गाइस? बिब्लियोफाइल होता है जो आपका लवर ऑफ बुक्स होता है। फिलोलॉजिस्ट क्या होता है? यू नो दैट हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, जो एक अच्छे ढंग से हिस्टोरिकल स्टडी करता है लैंग्वेज की, दैट इज कॉल्ड फिलोलॉजिस्ट। ठीक है, मिसोजिनिस्ट क्या होता है? हेटर ऑफ वुमेन, जो वुमेन से हेट करता है, दैट इज मिसोजिनिस्ट और मिसोलॉजिस्ट। देखिए, कई बार आप थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपको तीनों करवाएं, ये वाला नहीं करवाया हुआ तो ये वाला आंसर है। तो यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस एज वेल एज योर यू नो दैट कम्प्लीटली। अब देखो, एग्जाम ऐसे हो रहे हैं कि आपको कॉमन सेंस भी अप्लाई करनी है, ठीक है, आपको एलिमिनेट भी करना आना चाहिए ऑप्शंस को। तो जो एलिमिनेट कर दी, जो बची, फिर उसमें से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा होगा, राइट। आगे देखिए आप, आगे अभी आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फिलिंग ऑफ द ब्लैंक्स। ओके, इन ब्लैंक टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, वी ऑल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कजन्स एट ऑल ऑफ इट इन पास्ट वीक। ठीक है, इन एडिशन टू, ये देखो, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन एडिशन टू ही होगा। यहाँ पे आप अगर रीडिंग करोगे साथ साथ में, तो ये बेसिकली रीडिंग स्किल चेक करने के लिए था, ठीक है, कि आप कितना रीड करते हो डे टू डे में। आप रीड तो करते नहीं हो, तो इसलिए गाइज मेरा यही ही रिक्वेस्ट है अभी आप लोगों से, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं अभी, या आप चाहते हैं कि हमने स्कोर अच्छा करना है, तो इंग्लिश को लाइटली ना लें और इंग्लिश की लर्निंग डे टू डे बेसिस पे करते रहें, ठीक है। और बाकी अभी तो मैं अपनी क्लासेस यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन ऑन YouTube आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर यू ऑल, जो आपकी टाइप इन इंग्लिश ग्रामर सीरीज से लॉन्च करूंगा मैं उसको, और साथ में उसमें वोकैबुलरी भी डालता जाऊंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेंगी, तो उनको देखते रहना आप, ठीक है। और बाकी थोड़ा पता क्या है, थोड़ा न्यूज पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तब आपको, क्योंकि आगे वाले जो एग्जाम है अब वो उसी तरह से है, तो इसको इजी भी नहीं बोल सकते हम, टफ भी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप डे टू डे चीजों के टच में रहेंगे तभी आप कर पाओगे उन चीजों को, ठीक है। देखो, यहाँ पे कोई हार्ड कोर ग्रामर है ही नहीं, तो यू जस्ट नीड टू अप्लाई द यू नो दैट कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस इज मोर डेवलप्ड विद यू नो दैट मोर नॉलेज, राइट। जितना आपकी नॉलेज सॉलिड होती है, इन्फॉर्मेशन जितना आपके माइंड में जाता है, ठीक है, उतना ही आपका एक कॉमन सेंस भी अच्छी तरीके से डेवलप होती है, ठीक है। तो इन एडिशन टू पिकिंग अप द मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, वी ऑल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कजन एट ऑल ऑफ इन द पास्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद थ्री वर्ड्स इन बोल्ड, चूज द ऑप्शन। अच्छा, ये सिंपल था, इसमें क्या करना है, आपको जो बोल्ड लेटर्स दिए हैं आपको इनको आगे पीछे अरेंज करना है, फिर देखना है कि इनका क्या सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, राइट, ओके। तो इसमें देखिए, द एचपी ऑर्डिनेंस नॉट ओनली कंफ्लिक्ट या गारंटीड, कंफ्लिक्ट गारंटीड फंडामेंटल राइट्स, बट इज ऑल्सो इन वायलेट्स विद एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको पहले कौन सा आएगा भाई? देखो, अगर हम इसको, इसका आएगा आपका, ये भी अगेन रीडिंग है, ये जो दो तीन क्वेश्चंस है इस तरह का, ये एक तरह का क्लोज टेस्ट ही है, फिफ्थ सिक्स और फोर्थ, एक तरह से ये आपका क्लोज टेस्ट ही है, तो थोड़ा अलग वे में पूछा हुआ है, तो नया स्टाइल का है ये, ई बैंकिंग में इस तरह का आता है एक्चुअली, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको अब बैंकिंग लेवल का नहीं आएगा, या आपका जो कांस्टेबल है तो बस जो पुरानी किताबें होती हैं कि उस तरह का इजी जैसा आएगा, नहीं, यू हैव टू मेक योर प्रेपरेशन वेरी मच एडवांस, ट्रस्ट मी, ओनली देन यू कैन मेक इट। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, द एचपी ऑर्डिनेंस मे नॉट ओनली वायलेट, ठीक है, तो अगर हम बी को पहले लेके आते हैं, ठीक है, द एचपी ऑर्डिनेंस मे नॉट ओनली वायलेट्स गारंटीड फंडामेंटल राइट, बट इज ऑल्सो इन कंफ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज। तो इसका आंसर होगा आपका बी ए सी। तो ये जो सेंस है ये आती है आपकी कॉन्स्टेंट स्टडीज करने से, जितना आप कॉन्स्टेंट स्टडी करेंगे वैसे आएगी। द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तो इसमें क्या ग्रामर लगेगा, देखो इसमें क्या ग्रामर लगेगा, इसमें क्या आपका वोकैबुलरी लगेगा, यस वोकैबुलरी, और मैं आपको बोलूं कि अगर आप डे टू डे रीड करते हो देन यू गेट द सेंस। तो अब ऐसा मत सोचिए इंग्लिश को कि इंग्लिश आप दो तीन महीने में कर लोगे, दैट इज वन थिंग, बट वो तो करना ही है, क्योंकि इंग्लिश में कहीं भी
जो ग्रामर है, जो आपकी वोकेबलरी है, जो आपकी सिलेबस की चीजें, वो तो आपको कवर करनी करनी है, बिकॉज अगर वो चीजें आपको आएंगी, ओनली देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन देयर इन न्यूज़पेपर, राइट? ओनली देन यू वुड गेट अ सेंस ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लियर, योर परसेप्शन विल गेट मोर क्लियर, राइट? लाइक दैट वे, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप करते जाओगे तो चीजें होती जाएंगी, ठीक है? सिक्स वन, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग स्टेट्स टू रिजर्वेशन क्वांटिफिएबल डेटा टू जस्टिफाई देयर लेवल ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है? तो अब इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए देखो अगर हम करते हैं इस तरह से, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग स्टेट्स टू प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस क्वांटिफाइबल डेटा टू जस्टिफाई देयर लेवल ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है? तो सी डी ए इसका आंसर होगा, आपका आंसर नंबर डी, क्वेश्चन नंबर सिक्स का डी, क्लियर? फिर देखिए ये दो वो स्पेलिंग वर्ड, तो ये दो ही थे जो तो जो थोड़े आई थिंक आपको कंफ्यूज कर सकते थे, रेस्ट मैं बोलूंगा कि रेस्ट तो आपका पूरा पेपर ही इजी था, ठीक है? और थोड़ा वोकैबुलरी और समथिंग लाइक दैट, ये जो डायरेक्शन लिखी थी ये थोड़ा इस वे में थी कि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग गई होंगी, राइट? तो फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें देखिए मैंने वर्ड करवाया है आपको हरासमेंट, दैट इज सी, सी इसका आंसर है, हरासमेंट। देन कंसेंसस, कंसेंसस हो गया अकॉर्ड, सहमति, ये भी करवाया था, तो इसका आपका आंसर है ए। तो सेवंथ का सी और एट्थ का ए, सेवंथ का सी और एट्थ जस्ट मिनट, ये 16 है, यहाँ पे आ जाते हैं पहले, ठीक है? तो आगे देखिए, ये तो फ्री के नंबर है, वॉइस नरेशन मैंने सोचा था इतनी आएगी, बट चलिए आपको आ गया। अब ये देखिए नरेशन, तो बहुत इजी नरेशन है, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? राइट, आई एम गोइंग आउट टू नाइट, लक्ष्मी सेड, पहला ऑप्शन आपका, लक्ष्मी सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट टू नाइट, ठीक है? अब देखो सिंपल सा फंडा है यार, जो मैंने आपको नरेशन के रूल्स करवाए हैं, मैंने आपको क्या बोला था, देखो एक यहाँ पे जो नाइन्थ क्वेश्चन है, दैट इज योर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, और नीचे आपका इनडायरेक्ट दिया है, तो इसका आपने डायरेक्ट बनाना है। तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि आपको जो नरेशन के टेबल्स में बताए हैं उसमें से आपको रूल्स दोनों वे में याद रखने हैं, इससे भी और इससे भी, ठीक है? राइट, तो अभी देखते हैं, आई थिंक ये सभी ये करेक्ट होंगे, हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया इसके ऊपर, एक्सरसाइज 104, एक्सरसाइज 105, ऑलमोस्ट 40 सेंटेंसेस, आई गेस यू रिमेम्बर। और मैंने आपको बोला था कि जो उन सेंटेंसेस को कर लेगा उसके लिए नरेशन सीखना बाय हाथ का खेल है, उसमें सारे टाइप थे, सारे के सारे टाइप, ठीक है? बट चलिए यहाँ पे आते हैं, आई एम गोइंग आउट टू नाइट, लक्ष्मी सेड, लक्ष्मी सेड दैट, लक्ष्मी आपको पता है कोमा हटते हैं तो दैट आता है, शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट, टू नाइट का क्या चेंज हो जाएगा, दैट नाइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट टेंथ, द किंग ऑर्डर दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री, द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री, तो इसका आंसर होगा आपका, द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट आर विक्ट्री, तो वी बन जाएगा दे, और शुड का शुड ही रहेगा, ठीक है? तो एंड our victory will be the same, ठीक है? The king ordered, we should celebrate our victory, तो ये होगा आपका इस indirect वाले का direct। Next, again देखिए, तो common sense वाले ज्यादा आए थे, बिल्कुल hardcore grammar नहीं आया था, यहाँ पे देखिए आप, the given phrase in bold may or may not contain an error, the options following can replace the incorrect phrase, ठीक है? तो बेसिकली आपको देखना है कि ये जो आपका बोल्ड में दिया है तो ये गलत है कि नहीं है, अगर गलत नहीं है तो कैसे इसको इम्प्रूव किया, अगर गलत है तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है? एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स, एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स, तो इसका सिंपल देखो अगर आप रीडिंग करोगे तो इसमें सिंपली ऑप्शन आएगी डी, टू नहीं होता है, टू होता है, एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स, ठीक है? एवरीथिंग इज फनी, सब कुछ फनी होता है जब तक कि वो किसी और के साथ नहीं होता है,
बात खत्म, तो एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू, ठीक है। एंड जस्ट अ मिनट, हाँ फिर ये हो गया। तो ये भी क्या था, ये भी आपका एक कांस्टेंट रीडिंग के लिए है, इसका कोई आपको मिलेगा नहीं किसी हार्डकोर ग्रामर में। यस बट दिस कैन लिटिल बिट हेल्प ऑफ योर, जो सेंटेंस करेक्शन हमने पार्ट किया था वो वाली पार्ट इसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर पाएगी। नेक्स्ट idioms, everyone likes, और idioms भी बहुत इजी थे, ठीक है। Everyone likes her since she always remain in high spirits. High spirits का मतलब cheerful. सभी उसको like करते हैं because वो हमेशा high spirits में रहती हैं। देखो कई बार आपका ना idioms, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ा ही नहीं है या बिल्कुल नया है, तो थोड़ा sentence पढ़ के idea लगाना चाहिए आपको। Everyone likes her. तो likes करते हैं क्यों? Because वो cheerful रहती है, तो cheerful will be your answer. ठीक है, right? तो वैसे ही normal है ये। He was a king. Who ruled his subjects with a high hand? Subject का मतलब यहाँ पे है प्रजा, ठीक है। वो ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा पे हाई हैंड से रूल करता था। अब हाई हैंड का मतलब देखो, एक होता है हाई हैंड, एक होता है हेल्पिंग हैंड, ठीक है। तो हेल्पिंग हैंड इज समथिंग मतलब काइंडली बोल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हाई हैंड क्या होता है? हाई हैंड मतलब ओप्रेसिवली, मतलब डोमिनेंटली किसी के ऊपर दबाव बना के रखना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर। तो ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट विद अ हाई हैंड ओप्रेसिवली। तो उसने जो है वो जो राजा था वो अपनी प्रजा पर डोमिनेंटली रूल करता, तो काइंडली कन्वीनियंटली सिंपैथेटिकली ये चीजें नहीं होंगी। और मैंने आपको अगेन बताया कि आपका तरीका होना चाहिए, अगर आपको काइंडली पता है, सिंपैथेटिकली पता है, कन्वीनियंटली पता है, तीनों का मतलब अगर सेम है तो जो ऑप्शन बिल्कुल अलग है उसको ही क्लिक करिए, वही आपका आंसर है। ये ट्रिक है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, तो सिलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। समबडी टोल्ड मी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द मॉल, किसी ने मुझे बताया कि मॉल में एक्सप्लोजन हुआ था, एक्सप्लोजन मतलब धमाका। तो देखो यहाँ पे क्या है, समबडी टोल्ड मी, मैंने आपको यही चीज, देखो आप इसी सेंटेंस को समबडी टोल्ड मी, अगर इसके आगे वाला पार्ट देखोगे तो इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। समबडी टोल्ड मी, अगर ये होता तो आई वॉज टोल्ड By somebody, ऐसा होता। तो आप सिंपल यही देखिए ना कि कहाँ पे लिखा है I was told by somebody, कहाँ लिखा है I was told by somebody about the explosion in the mall, no? Yeah, I was told by somebody that there had been an explosion in the mall. Option number D will be the right answer, ठीक है, right guys? तो इसका होगा D answer, clear? और फिर आइए आप, तो ये भी active voice, passive voice, मैंने सोचा था एग्जाम में आएगी आपको, बट चलिए वाइस आ गई, एक नरेशन के दो आ गए और बाकी ये idioms बहुत इजी आ गए, ठीक है, राइट। और 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। ही हैज फॉलन आउट विद गर्ल ही वांटेड टू मैरी, ठीक है। फॉलन ऑफ नहीं, फॉलन आउट नहीं, फॉलन, ही हैज फॉलन लव, फॉलन For, he has fallen for, he has fallen for the girl he wanted to marry. Sorry guys, मेरे को थोड़ा cold हुआ है। तो he has fallen for, he has fallen for with the girl he wanted to marry. क्योंकि उसका fallen for का मतलब ही आपका क्या होता है कि in deeply in love, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दो लग रहे हैं, आपका fallen for भी हो सकता है, fallen in love भी हो सकता है, but basically फॉलन फोर पे मैंने क्लिक किया, तो आई थिंक फॉलन फोर ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका आएगा फॉलन फोर, ये फ्रेजल वर्ब है, ये ग्रामर था। फॉलन आउट का मतलब हो गया बाहर करना, फॉलन लव सेम थिंग, ठीक है, और नो इम्प्रूवमेंट नहीं, ठीक है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट है फॉलन फोर, राइट। फिर आपका बचता है जस्ट वन क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये भी थोड़ा सा ग्रामर है, ज्यादा नहीं है, बट अगर कॉमन सेंस किसी किया तो वो उसको ऐसे भी कर लेगा, ठीक है। इट इज टाइम द थ्री इयर्स ओल्ड इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट, मतलब ये टाइम है द थ्री इयर ओल्ड इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट, कि 3 साल की जो लड़की है वो सीख रही है पढ़ना और लिखना। 3 year old इज लर्निंग, इट इज द टाइम। तो अगर इट वॉज द टाइम होता तो वॉज लर्निंग आना था, तो हैज लर्निंग Not make a sense. Has, have, had के साथ आपका थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, अगर ing आती है तो that is has been का रिक्वायरमेंट है। Must learn
not at all suitable here. So I think no improvement is the answer here. So no improvement should be the answer. ठीक है गाइस, तो ये देखिए आप, तो पेपर में इतना टफ नहीं बोलूंगा इसको, इजी ही था. और आई थिंक सबके यहाँ पे इस सेक्शन में इंग्लिश में इस बार आपके 16 में से आई थिंक 13 से 14 मार्क्स तो बनने ही चाहिए. ठीक है, इजी था, इतना टफ नहीं था, इसको बड़े आराम से कर सकते थे आप लोग. लेकिन वही चीज है कि थोड़ा आपको ना ध्यान से पढ़ना था इनको. और तो मेरी बात अब जब भी ध्यान में रख ले माइंड में कि इंग्लिश इज नॉट एट ऑल दैट मच इजी. और जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करो आप, ठीक है, क्योंकि अभी आप यंग हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम आएंगे. तो डेस्परेट आपने नहीं होना है कि अगर आपका इतने अच्छा स्कोर इसमें नहीं हुआ है. बिकॉज सी, लाइफ इज नॉट अबाउट विनिंग द बैटल, इट इज अबाउट विनिंग द वॉर. ठीक है, राइट. तो अपने आप को प्रिपेयर करिए वॉर के लिए. ठीक है, इट्स टू मच बिग, बहुत बड़ा है लाइफ. ठीक है, तो इसमें बहुत मौके मिलेंगे आपको. ठीक है, तो आपको उन मौकों को ग्रैब करना है, डेस्परेट होके नहीं बैठना है. और इसका जो एनालिसिस है हमारा एनालिसिस है कि जिसके 55 से ऊपर है शायद वही ही उसका ही मेरिट में आ सकता है. और तो अगर जिसके नहीं बन रहे हैं तो डोंट गेट डेस्परेटेड. बाकी इंग्लिश और साइंस आई थिंक इस पेपर में थोड़ी टफ आई थी, जिसको बच्चे बोल रहे टफ आई थी. और बाकी सारे सेक्शन लगभग ईजी थे. तो कुछ ना कुछ तो देखो एग्जाम में टफ हो गई. ठीक है, इंग्लिश या मैथ या रीजनिंग कुछ भी टफ हो सकता है. तो उस चीज को हमने टैकल करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है. ठीक है गाइस, तो एनीवे, सो वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर यू नो ज्वाइनिंग अस. और आपके साथ 2-3 महीने का टाइम जितना भी था ये बहुत अच्छा था. तो आप टच रहिए यूट्यूब में. और बाकी अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो यू कैन रीच टू मी फ्रॉम एनीवेयर. आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, सब कुछ है, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम. ठीक है, राइट, कोई भी हेल्प चाहिए. और बाकी इंग्लिश पे गाइज अभी धीरे धीरे डेली वर्कआउट करना स्टार्ट कीजिए. बिकॉज अभी आप यंग हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम मिलेंगे, तो उसमें अच्छा स्कोर आपको करना है. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी, वेरी कम्पेटिटिव एंड वेरी हाई स्पिरिट लाइफ. ठीक है, तो आप एक अच्छी लाइफ जिए सभी लोग आगे. और कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू.